सर आपके बारे में बताइए सर। मैं रमेश बुंदेले, मेरा रहने का भंडारत गांव है, विलेज एरिया, और रंजनवा में अभी रहने के लिए आया। मैं एक चीफ इंजीनियर करके एमएससीबी में था, लास्ट में चीफ इंजीनियर रिटायर होने के बाद में मैं ये पॉलिटिक्स में 2014 में अक्टूबर महीने में मैं यहाँ पे आने के बाद में 15-13 दिन में मेरा ये पूरा घूमना फिरना हो गया, पूरा मालूम हो गया। और वो हमारे आदरणीय भाटसागर साहब, उन्हें मुझे पॉलिटिक्स में लाया और उन्हें टिकट दिया। गडकरी साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब इससे बातचीत करके टिकट दिया और बहुत अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान है वो उससे मैं चुन के आ गया, विधायक बन गया। तब से मैंने जितनी जितनी मालूम थी वो हिसाब से पूरा टेक्निकल मालूम ही था, एडमिनिस्ट्रेशन मालूम था, ज़्यादा से ज़्यादा काम लाने का सोचा। और जो भी जब भी हम रहते मुंबई गए तो वहाँ पे हर एक मंत्री लोगों को मिलना, हर एक लीडर लोगों से बातचीत करना, और जहाँ जहाँ काम लेने का जो जो काम होना पहले मैंने लिस्ट निकाल के रखा था। जब मैं प्रचार के लिए घूमा वो टाइम में कौन सा एरिया खराब है, कौन सा रोड खराब है, कौन सी काय क्या है, वो हिसाब से मैंने बना के रखा था। वो हिसाब से मैंने लाना शुरू किया तो ये हर महीने में कुछ ना कुछ नगर पालिका हो, विलेज के लिए हो, हर एक गांव में काम करने के हिसाब से सब किया। और पूरे मेरे मद्रास संघ में दरियापुर तालुका, अंजनगांव तालुका और अचलपुर के 32 गांव आते हैं, वो हिसाब से मैंने पूरा मालूम करके काम किया। हर एक गांव में एक दो महीने में जो जो आता था फंड्स, वो हिसाब से मैंने काम डाल दिया। और कम से कम 5 साल में 1100 कोटि के ऊपर पैसा है। और पूरे हाईवे वगैरह है, आदरणीय गडकरी जी से बातचीत करके, रिक्वेस्ट करके, देवेंद्र फडणवीस साहब से फॉलोअप कर लेके, उनका सपोर्ट लेके, और इधर भाटसागर साहब और ये एरिया के जो भी आजू बाजू है अहमदाबाद खासा जमे लगे, पूरे हाईवे लाए मेरे मतदार संघ में हाईवे पूरे अच्छी तरह हो गए। जो इम्पोर्टेंट होना था जैसे परतवाड़ा से अकोट या अंजनगांव से गए, परतवाड़ा से दरियापुर से मुर्तिजापुर, बाद में मुर्तिजापुर, इधर अमरावती से अकोला, ये अच्छी तरह हाईवे एकदम हो गए। और अकोट से दरियापुर से अकोट, ये भी सब ऐसे अच्छा हाईवे हो गए। हर एक गांव में काम डाल दिए, ऐसा कुछ गांव छूटा दे के काम नहीं है करके, एक ना दो काम डाल दिए। और अच्छी तरह 5 साल काम किया 19 तक, और 19 के बाद में और जब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आने के बाद में कुछ अलग हो गया, आपको तो मालूम है। जी षड्यंत्र कट का स्तर, इसके वजह से आपको दोबारा मौका नहीं मिला। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव जस्ट तो कुछ दिन पहले ही अभी संपन्न हुए हैं, और कुछ ही महीनों में विधानसभा इलेक्शन की भी घोषणा हो जाएगी, तो क्या किस तरह की तैयारियां शुरू है, क्या आगे का लक्ष्य आपका? एक्चुअली विधानसभा के पीरियड में जो भी आदरणीय नवनीत राणा ताई रहने वाले थे, ऐसा पहले ही मालूम हो गया, इसलिए उनके साथ में पूरे मतदार संघ में और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक गांव-गांव में घूमना हो गया, पूरे से पहचान हो गए। और वो वही टाइम में कुछ काम भी उन्हें डाल दिए, तो वो भी काम शुरू है, अभी अच्छी तरह हो रहे हैं। और हम हमारे एरिया में अच्छी तरह काम करके, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उनको मतदान दिया। लेकिन अभी कुछ शहर में, पर्टिकुलरली अमरावती शहर में कुछ ज़्यादा वो गैप मिला, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जो करते। हमारे एरिया में अच्छा मिल गया, धरपुर मतदार संघ में अच्छी तरह आगे है। नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी इस तरह की तैयारी है, क्या आगे की रणनीति है? मेरी तो ये अभी मैंने पूरी तैयारी कर दी है, और हर एक गांव में मुझे मैं जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और जो भी अभी बचा है
वो भी करने का सब है। तो अभी सब लोग यही बोलते हैं कि हम लास्ट टाइम में जो गलती हो गई अभी गलती होने वाली नहीं है, हम गल बहुत गलत हो गए, क्योंकि वो टाइम में अलग जो भी हमारे साथ में युति थी शिवसेना के साथ में, तो शिवसेना ने हमको एक प्रकार धोखा दे दिया, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे उनको वो लोग सब कांग्रेस के साथ चले गए, वो टाइम में इतने कांग्रेस आ गया था। तो ये टाइम में कांग्रेस के सभी हमारा पूरा धरापुर मुद्दा संघ, उसमें धरापुर तालुक का टोटली अपोज में है, जो अभी पहले आमदार थे उनके अवैध में थे, और अभी इसलिए वो मेरे साथ में भी सब जुड़े हैं और मेरे साथ में वो आने वाले हैं। इसलिए अभी ऐसी लोग आप देखो कि हर रोज मेरे घर को आते रहते हैं, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा घूमते ही रहता, जहाँ जाएगा वहाँ आपकी एक दो दिन में कहीं ना कहीं जाने ही जाते ही रहता, पूरे 8 दिन मेरा घूमना होता। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह मेरा मैं अभी मेहनत कर रहा, और सब लोग मेरे साथ में रहने का अभी वादा कर रहे हैं। 2019 तक के आपके द्वारा बहुत सारे काम किए गए, उसके बाद में 2019 के बाद में काम की जो गति है वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है। अभी 2024 के बाद में आपके द्वारा कौन कौन से कामों का उत्थान किया जाएगा या कौन कौन से काम आप करने की इच्छा रखते हैं, क्या करेंगे? मैं 2019 में 19 तक बहुत काम मंजूर करके लाए थे, तो 2019 के बाद में मेरा जो काम था मंजूर हो गया, भाई मैं तो कर नहीं सका, लेकिन वो आमदार ने वो करके उनका और लोगों को मालूम हो गया कि ये काम तो बुंदेले साहब ने लाया है, ये काम अभी वानखड़े कर रहे हैं, उसको ये उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं, तो वो बहुत जगह पे उसको विरोध भी हो गया है, लेकिन मेरा काम का जो मैं बचा था वो उन्हें किया, कुछ किया, और बाद में उसके बाद भी काम ही नहीं हो गया। हर एक नाराज है, जो काम उन्हें लोगों को आश्वासन दिया था वो पूरा हुआ नहीं, इसलिए बहुत नाराज़ लोगों की है, और सबसे कम शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2-3, 2-4 कोटि का काम किया होगा, तो ज़्यादा काम नहीं होगा, इसलिए सब नाराज ही है। और उसके बाद में जो भी बचे है, जो भी करने का है, तो मैंने डिसाइड किया है तो वो करने का है, और बाद में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खेती के बारे में जो रस्ते होना पायदान रस्ते बोलते हैं वो होना ज़रूरी है, तो वो तो मैं पहले ही आदरणीय हमने हमारे देवेंद्र साहब से बातचीत करके मैंने बता दिया कि अभी इसके बाद में भी मुझे पायदान रस्ते करके देना है खेत वाले के, खेत में जाने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और उससे उसको जो तकलीफ होती है वन्य प्राणी जो भी है वो तो जो भी अच्छा धान्य आ गया, वो जो भी ये आ गया खेत में जो आता है वो सब गुदस्त कर देते, नाश कर देते, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो भी करने का है। इसमें सोलर कंपाउंड फेंसिंग वो ज़रूरी है, वो कैसा हो जाएगा उसके पीछे लग के मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम, और जो भी इम्पोर्टेंट काम बचे डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट उसके लिए भी करना है, जो अपने क्रीड़ा संघ के बारे में मैंने डिसाइड किया था वो भी करने का है, ऐसे बहुत से कुछ बात करके जो करने का बाकी है मैं करने का सोच रहा हूँ, वो हिसाब से करूँगा। अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई है आपकी, आप जनता तक के जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, आपको एक अच्छा रिस्पांस भी उनसे मिल रहा है, एकदम अच्छा। अपनी जो मतदार संघ की जो जनता है उनको क्या एक प्यार भरा संदेश आप कहेंगे? मेरा तो यही है कि अभी लोगों ने जो पहले 5 साल में 14 से 19 तक जितना अच्छा जो है काम किया, वो जैसे वो टाइम में खुश थे वैसे अभी खुश करने के लिए अभी उनके साथ में मेरे साथ में रहने को ना, और वो मैं भी उनसे जो भी काम करने का है काम करूँगा।